अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो भाई आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले हाजी गुलाम अंकल ने वीडियो डाली थी और जेब में रख के नीचे रख के कुछ वैसे उसने रिकॉर्ड की, फिर वीडियो डाल दी। उसके बाद में जब हो गया तकरीबन आधा घंटा या 20-25 मिनट हो गया, लोगों ने बातें करना शुरू कर दिए, तो उन्होंने वीडियो को प्राइवेट कर दिया। और उसके बाद में वो वॉइस के ऊपर से जो भी गंद हुआ, पिटारा ने दूसरे दिन आके वीडियो बनाई, अम्मा को नहीं आने दिया जा रहा है, इस तरह से हिंट दी, और अभी तलक के उसके कुत्ते भौंके जा रहे भौंके जा रहे हैं। तो वो वाली वॉइस को लेके सभी बातें कर रहे थे कि वो वाली वॉइस सबको सुननी है। तो सॉरी मैं लेट हो गई, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था, मैं थोड़ा बिजी थी इसके लिए मैं नहीं लगा पाई थी। तो आगे वो वॉइस मैं लगा रही हूँ, आप लोग सुन लेना। बाकी जो लोग भी पीछे पड़े हुए, चाहे हाजी गुलाम के पीछे पड़े हुए, चाहे बिल्लो के पीछे पड़े हुए, चाहे सलमा के पीछे पड़े हुए कि आने नहीं देती आने नहीं देती, तो भाई पहले तुम लोग अपने अपने घर बताओ कि तुम लोगों की माएँ तुम लोगों के साथ में रह रही है कि नहीं, ठीक है? बाद में दूसरे के ऊपर ये करना, क्योंकि सबका अपना अपना माइंड है, अपना अपना चॉइस है किसको कहाँ पर रहना है कहाँ पर नहीं रहना है। तुम लोग इतने पागल और इतने घटिया लोग हो कि तुम लोगों को लगता है कि बस वो चुराए हुए जो सब्सक्राइबर है वो दिखा के वो दुनिया पे राज कर सकती है, वो भी घिसे पिटे से 1 मिलियन है, उसमें से भी आधे से ज़्यादा खरीदे हुए और चुराए हुए। तो तुम लोगों की मालकिन तुम लोगों के लिए स्पेशल होगी, दुनिया के लिए नहीं है। अगर इतना ही वो अपनी माँ को प्यार करती तो वो टाइम पे अपनी माँ को क्यों नहीं रखी थी अपने पास में कि उसको लव मैरिज करनी पड़ी। तो ज़रा सी ना अपने दिमाग को है ना शांत करो, सोचो क्या तुम लोगों की माँ तुम लोगों के घर में नौकरानी बन के रह रही है? उसके बाद में जाके ना उन लोगों को ट्रोल करो, चाहे वो सलमा हो, चाहे उसका ससुर हो, चाहे असगर हो, चाहे बिल्लो हो, ठीक हो गया? तो आगे जो भी वॉइस है उसका भी मैं बता दूं कि वो वॉइस के पीछे की भी कहानी क्या है। बिल्लो को आना ही नहीं है पिटारा के पास में, किसको बर्तन कपड़ा करने का शौक़ है यार? अगर बैठे बैठे खाने के लिए मिल रहा है तो क्यों बर्तन कपड़ा करने के लिए आएंगी वो? तो उसको खुद को नहीं आना है। और इन लोगों की आदत है आदमियों को आगे लगा के उनको गालियां खिला के खुद पीछे हो जाते, खुद मजलूम बन जाते, खुद बेचारे बन जाते। अभी ये जो 20 लाख की और 25 लाख की भी बात हो रही है, इतने पैसे लगेंगे उतने पैसे लगेंगे, तो जाहिर सी बात है। और फिर पिटारा ने आके ये बताई कि अम्मी से मेरी बात नहीं हो रही है, पता नहीं उनका फ़ोन ख़राब हो गया ये वो। और आप लोगों को मैं एक फैक्ट बताऊं कि इसकी अम्मी को और पिटारा को कोई नहीं रोक सकता। उन लोग अपनी मनमानियां करती है, उन लोग है ना पूरे ख़ानदान की डायन औरत है, ये दो औरतें हैं जो डायन है, इन लोगों की चलती है, इन लोगों के आगे किसी की नहीं चलती। तो हो ही नहीं सकता है कि कोई इसको कॉल करने बात करने से रोके। वो खुद बात नहीं कर रही है पिटारा से ताकि वो उसको ब्लैकमेल ना करे, वो उससे लड़े ना, वो उसको धमकियां ना दे। इसके लिए बिल्लो खुद पिटारा को ब्लॉक कर रही है या अवॉइड कर रही है, जो भी कर रही है बिल्लो खुद कर रही है। और दूसरी बात के पैसे को लेके भी इन लोगों ने जानबूझ के ऐसा बोले है ताकि पिटारा को बहाना बना सके कि हमारे पास में पैसे नहीं है इसके लिए मैं नहीं आ सकती हूँ। और ये वीडियो भी जानबूझ के बनाई गई ताकि नाम आ जाए बिल्लो के हस्बैंड का कि ये नहीं भेज रहा है ना इसके लिए मैं नहीं आ रही हूँ। तो ये सारा कुछ है ना प्री प्लान्ड हुआ है। ये वॉइस कोई इतना बेवकूफ़ तो है नहीं के फ़ोन साइड में रख के तुम लोग रिकॉर्ड कर रहे हो, फिर उस चीज़ को डाल रहे हो, और फिर इस तरह से जताने के लिए कि हमने नहीं डाले गलती से आ गई है, जताने के लिए वीडियो को प्राइवेट कर रहे हो। तो ये सारा कुछ है ना समझ में आता है, ठीक हो गया? दूसरी बात के अगर के नहीं आना है बिल्लों को तो उसके मुंह पे बोले, ज़्यादा से ज़्यादा वो गटर में गिरने की नाले में कूदने की धमकी देंगी ना, देने दो, कुछ नहीं करेंगी वो, तुम लोग सबको मार देंगी, वो खुद नहीं मरने वाली है, वो इतनी डीट औरत है। और रही बात रिकॉर्डिंग की कि गलती से हुई है तो गलती से रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, वैसे भी घर में इनके बहुत सारी बातें चलती है, बहुत सारे लफड़े झगड़े और पता नहीं क्या क्या चलते रहते हैं, तब तो इनके कैमरे नहीं ऑन होते। ये बात रिकॉर्ड करनी थी तो कैमरा ऑन हो गया। बाकी ये बातें आप लोग सुन लो, आगे देखते हैं। अगर मेरे को अच्छा हाँ एक बात और बोल दूं कि मुझे सिराई की नहीं आती है तो इंशाल्लाह लाइव में इसको सुन लेना आप लोग, फिर लाइव में इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आगे जमा तो कुछ रिकॉर्ड करती हूँ, वरना
ये वीडियो मेरी यहीं तक। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे आगे वॉइस सुनिए। अल्लाह हाफिज़। मेरे को आखा ही नहीं जा रहा माजी है वो जुलू तले जुलू हाँ उठा उठा जुलू ऊपर उठ के लेके तेरे बातों ना मैं क्या बोले जुलू लंगा सिंगा बना ला इतना आती मेरे के ना फिर नहीं होने वाली है जले जी होने ओ फिर नहीं बोले मैंने होंडा की देने ना ओ जी मेरे चलो परेशान ना थी इतना परेशान मेरे को करना आपसे मेरे दिल में तो कोई जले तो गुस्सा करना वाला मेरा दिमाग खराब कर कि मैं सीधा तो वाला मेरे तो गुस्सा करनी है शक करेंगे देखो ये जो शौक है एक कारोबार ला देखूं दीवाने ने पहन ले रहे हैं क्या करूं जो भी दे रहे हैं क्या करना मूड तो सही कर रहा है ये भी मेरा मूड है जी भाई मैं क्या करना मेरे वास्ते ये मूड है उनका सही है मैं कितनी देर ना डांस करने को दें डांस मैल कढ़े से दिल जी मूर्त जब मैं देखा कि मैं कढ़े के जाते बैठा कि मैं कोई ना कसम मेरे दिल दूसरे गुस्सा के ना बोला मैं कावल लग गया जब मैं कि मैं ही देख सीधी गाल के ना ये बोला वो इंदर तू ही ना अंदर वैसे भी गाल ही कर रहे कुछ बोला तो आमा नहीं नगा ना फोन का जवाब ने ना मैसेज का जवाब ने मैं बोला के रही कैसा मैं कोई हो बया मैं देखो आके जो तू करे ना करे तेरे को तो मैं कहने तो कहना पैना इमें तू बोर बनाई बैठी आपका दिमाग ही खराब की थी बैठी मेरा दिमाग ये जो इतनी बदी ना सुनी ये अल्लाह की किस्मत ना ये तो मूड ना खराब बहुत लेकिन क्या है आप चलो सीखा मूड सही तीन लाइन जब मैं सिखा चार बंदी करे मेरी तारीफ करना ये गलती पति ले जा गया तो ठीक है तो आप क्या करने को बने ने ये करने तो क्या अच्छा हूँ तो शोधा था वास्ते ही मूड सही था।
ਤੇ ਕੋ ਸ਼ਹਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਬਾਲੇ ਕੋ ਨਾ ਤਰਸਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਤਰਸਾ ਕਸਮ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਤੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੂੰ ਦੁਸ਼ਮਨ ਜੀ ਤੂੰ ਯਾਰ ਤਮ ਉਹ ਵੀ ਦਲੇ ਜੀ ਕਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਇਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਜੋ ਸਨ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕੋ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਤੇ ਹੁਜਤ ਨਾਲ ਕੋ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕੋ ਭੇਜ ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਹਦਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਹੀ ਇਹ ਖਾਮ ਖਾ ਫਰਕ ਰੱਖੀ ਖੜੀ ਤੇ ਉਹ ਕੱਢਾਂ ਦਾ ਆਖ ਵੀ ਲੂਹੂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੇਕੂ ਬਈ ਮਾਂ ਬਲੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਵਾ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੂੰ ਕੂੜਾ ਤੂੰ ਬਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਸਮ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬਲੇ ਮੇਕੂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਲੱਗਦੇ ਮੇਕੂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ आखिर कहीं साथी जो है मैं ही दामे के लिए धी का खा के लिए होगा छोकरे जो छोकरे दी जी छोकरा समय बाल ना रही है मेरे को डस जक्का तेरे नाल बद्दी ते बैठी आते कहीं वाले आखा जाता हूं बोले हर कहीं में बते थे तय निकाल मुख्तियार बते थे ओ डो ओ यार तंदुरुस्ती तंदुरुस्ती गुरु तंदुरुस्ती है मुख्तियार तंदुरुस्ती वो तू अपने बाल में बैठी थी मैं ते कोई कहने के तू ना जियो ठीक है अच्छा तू नूर सवेल जो नजो को याद बोला आज शोदा दा वास्ते ये री दस सही नमी हम दा वास्ते इन बैक दे ये री दे खेल खेल दे गुदा जे रे पता दे सही आदमी हम दा वास्ते मैं ते सीधा आदी बैठे तू ही काम खत्म ना कर मेरा दिल नहीं छुड़े करें ना कि मैं ये जा छोड़ा ठीक है मैं एक मजबूरी संग मेरी पिया दुनिया जो भी तय है जो थे लोग खादी बने उन का कनी बचाई मैं वे कहूंगा कि सेटअप करते मैं बोला बोला यार मैं नहीं छोड़न मेरा दिल ही मान ना छोड़ता दे बैठा मेरा दिल ही कहनी छोड़ तू ही मैं अब दी ठीक बते मत पीछे तो ना करना गेम के ए जा जंजा हल पतो नजर में आ को साथी ना बचने तो ना मैं इडू दी रियम देना इडू दे दिल अच इडू दे ए जा छोड़न को दिल नहीं करना उ डुबालन चीख दे बदन बस ए जा की मैं ना लियो कि तो मैं घिन दिया ना घर की आधा मजे मत कहना ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਠੇਕ ਜੰਜਾਲ ਹੈ ਠੇਕ ਜੰਜਾਲ ਮੇਰਾ ਜੀ ਠੀਕ ਕੈਨਮੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਸ਼ਰ ਕਿਤੇ ਸੀ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ चंगे रोटी कपड़ा सारा कुछ मिलते मैं क्यों तेरे नाल हर वे रोंदी ते बैठी थी जब मैं तो हर बाहर वाले पकड़े सन को सन क्यों नहीं भेजा हाँ मैं हेप तेरी इज्जत चाहनी मैं जब महीने दे नार रहा मेरे बाल इवे मेरे उते तू इते कीते बैठी इवे रोंदा बैठी तो आपकी मर्जी है कितना वाला बात सन मेरे ना कर जो कर मैं तो खुशी खुशी लवाड़ में तो मैं तेरी खुशी खुशी तेरी इंतजार करा जो अमदा पे जब मैं वेंदी पिया ਯਾ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਕੋ ਆਖੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਪੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਆ ਦੇ ਘਰ ਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫੋਨ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕੋ ਮਿਲ ਸਕ ਕਿ ਥਾਂ ਟਗਾ ਸਾ ਨਾ ਹੁਣ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬਲਾ ਕੀ ਕਰ ਸੰਦਾ ਸਾ ਯਾ ਉਹ ਦੀ ਜ਼ਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਾਲ ਕੈਸੇ ਬੈ ਰੱਖੂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋ ਜੀ ਬੈ ਬਾਹਰ ਆ ਬਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਬਲਾ ਬਲਾ ਕੀ ਕਰ ਸਾ ਵਲ ਤੂੰ ਵਦਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਰੂਜ ਲਵਾ ਕਹੀਂ ਮਿਲੇ ਫੋਨ ਚੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮਕਤਬ ਮਨੀ ਪੇ ਆਪੇ ਸਾਥ ਤੇ ਤੇਰਾ ਖਰੂਜ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਸੇ ਜਦ ਰਹੇ ਜੇ ਤੋ ਰਹੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਤੇਰਾ ਨੀ ਬੜਦਾ ਮੈਂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਲਵਾ ਦੇ ਕਿਉ ਹਾ ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੋ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਸੇ ਹੂੰ ਵੇਲੇ ਛੁੱਟਾ ਤੂੰ ਸਦੇ ਸੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰ ਤੂੰ ਤੋ ਬਿਹਤਰ ਤੂੰ ਲਵਾ ਹੀ ਨਾ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਇਹਨੇ ਦਵਾ ਰੋਗ ਦੇ ਸਨੀ ਹੋ ਕਾ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਚਾਰਾ ਤੂੰ ਆ ਬਿਆ ਗਾ ਦੇ ਸੇ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਦਸੇ ਤਰਾ ਪੜਵਾਇਆ ਉਹ ਬੰਦ ਦੇ ਖੇ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਬਿਗੜ ਦੇ ਚਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇ ਕੁ ਸਮਝਾ ਦੀ ਬਜਾ ਸੀ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਮਝਾ ਦੂੰ ਜੇ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਖਰਮ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਮੂਡ ਮੇਕ ਸਵੇਰ ਲਵਾ ਦੇ ਮੈਂ ਜਿਤਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਵਧੀ ਰਸਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਬੋਲ ਵਾਲੀ ਰਸਾ ਉਹ ਯਾ ਮੈਂ ਜੁਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਲੀ ਕੋ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਮੈਂ ਅਮਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਦੇ ਚਾਕ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੇ ਪਨ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਡਾਈ ਖੜੀ ਹੈ ਜੇਰਾ ਆਇਆ ਵਰ ਰੁੰਨੀ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਕਿਤਨੇ अम्मा कोई भी माँ प्यो के बगैर कई कहीं हर की मतलब संगवा दे सिर्फ माँ प्यो ने जरा सोचे हर की मतलब बस अब मतलब देखो जी दूजा जा रहा है। तो जी सुन ली आप लोगों ने ये वॉइस। अच्छा तो ये वीडियो में आगे जो वीडियो चली थी इन लोगों की उसके अंदर दोनों मियाँ बीवी ये बता रहे थे कि नसीब वाले यहाँ आते हैं यहीं पे रहना है यहीं पे मरना है पता नहीं इस तरह की बातें। और फिर आगे बोलती है कि मुझे मेरे बच्चों की याद आई है मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है फिर मैं आ जाऊँगी। मतलब ये दोनों तरफ गेम खेल रही है जो पिटारा की अम्मा है ना ये दोनों तरफ सही से गेम खेल रही है कि वहाँ पे ये भी जता रही है कि यहाँ पे नसीब वाले आते हैं मुझे यहाँ रहना है और दूसरी तरफ ये भी जता रही है कि मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है मैं वापस आ जाऊँगी। डबल गेम खेल रही है। बहुत नालायक औरत है सच्ची में।